हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक कॉफ़ी और टी कूलर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोग गर्म चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडी चाय पीना पसंद करते हैं, और जो ठंडी चाय पीना पसंद करते हैं उनकी चाय काफ़ी देर बाद जाके ठंडी होती है। तो उसी से रिलेटेड हम आज एक जुगाड़ लेके आए हैं। तो आज हम एक कॉफ़ी और टी कूलर तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें 12 वोल्ट सीपीयू फैन चाहिए होगा। उसके बाद हमें एक 12 वोल्ट का डीसी जैक चाहिए होगा, और आखिर में हमें कुछ पेंसिल्स के खाली खोल चाहिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस डीसी जैक को फैन के साथ अटैच करते हैं। इसका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है, और ये दो दरमियान वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। चलिए दोस्तों, इसको अटैच करते हैं। अब हम इसके साथ ये पेंसिल की खोल अटैच कर देते हैं। ये चारों कोनों पे ये चार लगा देंगे। सकते हैं हमारा कॉफ़ी और टी कूलर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आपकी ये ऊपर से हवा निकाली जा रहा है गर्म। इसका मतलब कि ये नीचे वाला जो हमारी चाय है या पानी है, जो भी चीज़ है, गर्म चीज़ है, उसको ये ठंडा करता रहेगा। तो ऊपर से इसके गर्म हवा आ रही है, क्योंकि ये नीचे जो मैंने रखा हुआ कप पानी वाला, ये गर्म है। तो अभी ये इसको 2 से 3 मिनट में ठंडा कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।